Good afternoon, students. Myself Krati Khare, visiting faculty for remedial mathematics in Smriti College of Pharmacy. Now we will study our third unit, that is differentiation. So what is differentiation? You all have studied differentiation in physics in class 11th and 12th. Okay. So differentiation is our third unit. In differentiation, we break down our function. Okay, so differentiation is what? Differentiation is breaking down of the function. Means f of x ko humko break down karna hai. There are two terms, differentiation and integration. Differentiation means to break down and integration means to sum up, ikattha karna. जो है वो इंटीग्रेशन कहलाता है. इकट्ठा करना इंटीग्रेशन कहलाता है. छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना डिफरेंशिएशन कहलाता है. तो ये जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ये डिफरेंशिएशन किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है. ओके, मींस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होना मींस डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन है उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में तोड़ रहे हैं. ओके, डी बाई एफ ऑफ एक्स को हम एक्स के रिस्पेक्ट में तोड़ रहे हैं. यदि ऐसा लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई इज अनदर फंक्शन, तो इस जी ऑफ वाई को हम एक्स के रिस्पेक्ट में तोड़ रहे हैं. ओके, एक्स के रिस्पेक्ट में उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं. डी बाई डी एक्स ऑफ सेवन एक्स स्क्वायर मीन्स वी आर डिफ्रेंशिएटिंग सेवन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो जब जब डिफरेंशिएशन वर्ड होगा तो डिफरेंशिएशन मींस किसी के रिस्पेक्ट में होगा. सीधा नहीं, ऐसा खाली हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स. ओके, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट एक्स क्यूब, दिस इज इनकम्प्लीट. डिफरेंशिएशन में होगा डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है वो आपको गिवन रहेगा, और यदि गिवन नहीं होगा तो फिर आपको जैसे वेरिएबल है वाई क्यूब, तो आप लिखोगे डी बाय ऑफ वाई क्यूब. इफ इट इज नॉट गिवन, दिस मीन्स वी आर डिफरेंशिएटिंग वाई क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वी आर डिफरेंशिएटिंग एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, सो जिसके रिस्पेक्ट में भी करना होता है वो आपको क्लियरली मेंशन होगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है कि वाई के रिस्पेक्ट में करना है. नाउ इन डिफरेंशिएशन देयर आर फोर मेन फॉर्मूलेज. ओके, देयर आर फोर मेन फॉर्मूलेज एंड 11, 12 सब फॉर्मूलेज जो कि मेन फॉर्मूले के अंदर लगकर सम को पूरा करते हैं. तो मेन फॉर्मूलेज जो हमारे पास है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज सम फंक्शन, तो उसका हमको डी बाई डी एक्स निकालना है. डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. तो ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स. ओके, मीन्स दोनों पर डी बाई डी एक्स ऑपरेट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एडिशन फॉर्मूला, दिस इज एडिशन फॉर्मूला. नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, सो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स. दिस इज सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला कि एफ एक्स माइनस जी एक्स है तो इंडिविजुअली डी बाई डी एक्स ऑपरेट होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स. ओके, नाउ कम्स प्रोडक्ट फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स. ओके, सो दिस इज एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स.
क्लियर. दिस इज प्रोडक्ट फॉर्मूला. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. तो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज वॉट एफ ऑफ एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स. क्लियर. इसको मैं सिंपल करने के लिए आपको एक दूसरा तरीका बता रही हूं. आप एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लो और जी ऑफ एक्स को आप सेकेंड फंक्शन मान लो. गॉट इट. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. सो नाउ आवर फॉर्मूला इज फर्स्ट डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट. ओके. एफ एक्स इज योर फर्स्ट, जी एक्स इज योर सेकेंड. सो फॉर्मूला विल बी एफ एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स विल बी फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट. आई एम रिपीटिंग अगेन. फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट. दिस इज योर प्रोडक्ट फॉर्मूला. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट इज डिविजन फॉर्मूला. f of x divided by g of x d by dx of fx upon gx. इसको मैं इजी करके आपको बता रही हूँ. एफ एक्स आपका न्यूमरेटर है और जीएक्स आपका डिनोमिनेटर है. ओके. सो इट इज डिनोमिनेटर डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. डिनोमिनेटर डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. सो फॉर्मूला विल बी डिनोमिनेटर इज जी एक्स. सो जी एक्स का स्क्वायर जी एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ जी एक्स. ठीक है. दोनों वेज मैंने आपको बता दिए हैं. आइदर आप इस वे से लर्न करो या इस वे से लर्न करो, फॉर्मूला सही होना चाहिए. पर मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली मेथड ज्यादा सही लगती है क्योंकि इसमें क्लियरली डिस्क्राइब्ड होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर. यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो. फिर भी मैंने दोनों लिखा है, आपको जो ठीक लगेगा आप उस हिसाब से इसको करिए. क्लियर. नाउ सम मोर फॉर्मूलेज विच आर कॉल्ड सब फॉर्मूलेज विच आर यूज इन दीज मेन फॉर्मूलेज टू कंप्लीट द सम. ओके. फर्स्ट डी बाय डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो. कोई भी कॉन्स्टेंट हो उसका डी बाय डी एक्स जीरो होगा. कॉन्स्टेंट कैसा होगा? लाइक डी बाय डी एक्स ऑफ थ्री, डी बाय डी एक्स ऑफ फोर, डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस सेवन, डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस थाउजेंड, डी बाय डी एक्स ऑफ टू हंड्रेड बाय 500, ऐसा कोई भी नंबर होगा उसका हमेशा डिफरेंशिएशन जीरो होगा. ओके. या फिर ए बी सी डी दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स, एक्स वाई जेड दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स, है ना. ये मैं स्टार्टिंग के प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ. तो डी बाय डी एक्स ऑफ ए जीरो, डी बाय डी एक्स ऑफ बी जीरो, डी बाय डी एक्स ऑफ सी जीरो, डी बाय डी एक्स ऑफ पी जीरो, डी बाय डी एक्स ऑफ क्यू जीरो. तो इस तरह से जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है. क्लियर. देन कम्स डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स. तो एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा वन होता है क्योंकि एक्स का एक्स के साथ हो रहा है इसलिए वन होता है. ये आगे अभी मैं जो फर्दर फॉर्मूलेज बताऊंगी उसमें आपको क्लियर होगा कि इसका वन क्यों होता है. देन कम्स डी बाय डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज ए टू द पावर एक्स लॉग ए. ओके. देन कम्स डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन. इसी से एक्स का आया है आपका एक्स का फॉर्मूला. यहां एक्स में कुछ नहीं है मतलब वन है पावर. एक्स मीन्स एक्स टू द पावर वन. तो हमने इस फॉर्मूले में रखा एक्स टू द पावर वन, तो इट विल बी वन एक्स टू द पावर वन माइनस वन.
तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 विल बी एक्स की पावर 0, 1 माइनस 1 इज 0, सो एनीथिंग टू द पावर इज 0 इज 1, सो 1 इंटू 1 इज 1, मैं करके बता रही हूँ, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 इज 1, एक्स की पावर 1 माइनस 1, सो इट इज 1, एक्स की पावर 0, सो 1 इंटू 1 दैट इज 1, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, इन दिस वे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज ऑलवेज 1, क्लियर? नाउ कम्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये बेस ई में है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स, देन ट्रिग्नोमेट्री डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स इज माइनस साइन एक्स. You will not have proofs of these trigonometric functions. आपको directly formulas learn करने हैं. ये कहाँ से आया, इसका derivation आपको course में नहीं है. तो you have to just learn it कि किसका differentiation क्या है और आपको formula को directly use करना है. Okay? So again I am repeating, d by dx of constant is 0, d by dx of x is 1, d by dx of e to the power x is e to the power x, d by dx of a to the power x is a to the power x, d by dx of x to the power n is nx to the power n minus 1, d by dx of log x to the base e is 1 by x, d by dx of sin x is cos x, d by dx of cos x